नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन का 20वां वार्षिक अधिवेशन आज यहां पर संपन्न हुआ है। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन का 20वां वार्षिक अधिवेशन का मुख्य सत्र आज सीनियर रेलवे इंस्टीट्यूट में आयोजित किया गया। इसमें केंद्रीय कर्मचारियों और रेल कर्मचारियों के राष्ट्रीय नेता ने भी भाग लिया। देश भर के केंद्रीय कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले JCM स्टाफ साइट के सचिव और ऑल इंडिया रेलवे मैंस फेडरेशन के महासचिव कामरेड शिव गोपाल मिश्रा हरिद्वार मेल से अजमेर पहुंचे। AIRF के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष कामरेड GR भोंसले और NRMU सेंट्रल और कोंकण रेलवे के महासचिव कामरेड वेणु नायर राजधानी एक्सप्रेस से अजमेर पहुंचकर वार्षिक अधिवेशन में भाग लिया। इस अवसर पर नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे के महामंत्री कामरेड मुकेश माथुर के अजमेर पहुंचने पर सैकड़ों रेल कर्मचारियों ने रेलवे स्टेशन पर जोरदार स्वागत किया। लोको एवं डीजल कारखाना अजमेर की मेजबानी में नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन का 20वां वार्षिक अधिवेशन आज यहां पर संपन्न हुआ है और इसका उद्घाटन ऑल इंडिया रेलमैन्स फेडरेशन के महामंत्री शिवगोपाल मिश्रा जी ने किया है। और इसमें हमने सुबह आज यहां पर एक विशाल रैली रेलवे स्टेशन से सीनियर रेलवे इंस्टीट्यूट तक निकाली है, जिसमें 1000 के करीब कर्मचारियों ने भाग लिया है। और डेलीगेट सेशन में भी विभिन्न कैटेगरी जो रेलवे की है उसकी मांगों पर चर्चा हुई है। साथ में एक जो सबसे बड़ा हमारा मुद्दा है, नई पेंशन योजना, उसके स्थान पर 1-1-4 के बाद जो भी कर्मचारी भर्ती हुए हैं उनको पुरानी पेंशन बहाली की जाए, रेलों का निजीकरण नहीं किया जाए, निगमीकरण नहीं किया जाए, ट्रैक मेंटेनर, रनिंग स्टाफ, टेक्नीशियन, हमारे कारखाना के स्टाफ, हमारे जो जितने भी ट्रैफिक में काम करने वाले लोग हैं उन सभी कर्मचारियों की, सिग्नल में काम करने वाले लोग हैं उनकी डिमांड्स पर यहाँ पर आज पर चर्चा हुई है। महामंत्री की रिपोर्ट प्रस्तुत हुई है, हाईवे का लेखा जोखा प्रस्तुत हुआ है, विभिन्न भागों का प्रस्ताव और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में बात हुई है। साथ में यहाँ पे डेलीगेट्स ने अपनी राय रखने का काम किया है। हम लोग 2023 में हम लोग निर्णय करने वाले हैं, सारे क्षेत्र के जो समान विचारधारा के लोग हैं उनको शामिल करेंगे, राज्य कर्मचारियों को, टीचर्स को, स्टूडेंट्स को, ताकि युवाओं का भविष्य निर्माण के लिए केंद्र सरकार से हम मांग करें कि पुरानी पेंशन योजना की बहाली करें। आज की तारीख में 6 राज्यों ने पुरानी पेंशन योजना बहाल कर दी है, तो जब युवा रिटायर हुए 35-40 साल बाद तो उनके भविष्य का निर्माण हो, इसके लिए हम मांग करेंगे। अगर सरकार नहीं मानेगी तो ज़बरदस्त आंदोलन इस देश में होगा और आने वाले लोकसभा चुनाव में निश्चित रूप से इसका प्रभाव पड़ेगा। जो सरकार हमारी बात सुनेगी, जो पार्टी हमारी बात सुनेगी, उसी के पक्ष में हमारे कर्मचारी फैसला करने का काम करेंगे। आ रहे हैं राजस्थान विधानसभा 2023 चुनाव, चुनाव में भी रह गया 1 वर्ष से कम समय, कौन होगा विधायक उम्मीदवार? स्वामी न्यूज कर रहा है सोशल मीडिया का सबसे बड़ा असर। राजस्थान की 200 विधानसभा क्षेत्र में कौन कर रहा है तैयारी, बताएंगे आप और उस विधानसभा क्षेत्र में रहने वाली जनता, जिससे आपके विधानसभा का क्षेत्र का हो विकास। 1 दिसंबर से जयपुर संभाग, रोजाना 2 विधानसभा, दोपहर 1 बजे और दोपहर 3 बजे। स्वामी न्यूज के फेसबुक और यूट्यूब पर लाइव देखें, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें और बताएं कौन सी विधानसभा क्षेत्र में रहते हैं आप, कौन है संभावित उम्मीदवार, कौन सी पार्टी से रखता है वो संबंध, जानकारी साझा करें। प्रारंभ कर रहे हैं हम अब जयपुर संभाग। यदि छूट गया आपका विधानसभा क्षेत्र, यदि आप उसे नहीं रह पाए लाइव, तो हमारे प्ले लिस्ट में जाकर आप उसके कमेंट बॉक्स में जाकर अपने विधानसभा की जानकारी अवश्य डालें। ये जानकारी आप हमारे व्हाट्सएप पे भी दे सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर है 9829010448। देखना ना भूलें दोपहर 1 बजे और दोपहर 3 बजे।